हेलो राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं निकली अपने खेतों में। खेतों में मैं और मेरी सिस्टर, उसके दोनों बच्चे और मेरा बेटा, हम लोग सब लोग खेत पे जा रहे हैं। तो देखिए, ये है फसल सरसों की। इस समय सरसों की फसल बहुत तेजी से है, और आलू की भी हो रही है, लेकिन अभी आलू का टाइम थोड़ा टाइम है। सरसों का भी टाइम है, अभी फूल निकले हैं सरसों में। और ये देखिए आलू, और इधर जो खेत है वो था धान का। धान हमारी कट चुकी है, धान की फसल हो चुकी है, तो अभी इसमें कुछ बोएंगे वो लोग। चना, शायद चने आने की फसल होगी। तो ये देखिए, इधर आलू है और इधर सरसों। तो हम लोग अपने खेतों में जा रहे थे, और इस समय ऐसी फसल हरे भरे देखने में इतना मज़ा आता है खेतों में। तो देखिए, हमारे खेत जो लिए हैं वो भाभी हम लोगों को मिल गई थी। तो मैंने कहा भाभी, तो वो हम लोगों को बहुत दिन बाद देख रही थी, तो बोली हम तो तुमको पहचान ही नहीं पाए। तो मैंने कहा हाँ भाभी, मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। और ये देखिए, भाभी ने कहा कि सरसों का साग खाना मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ भाभी, मुझे सरसों का साग खाना है, मुझे बहुत ही पसंद है, और फिर अपने खेतों का ताज़ा ताज़ा इतना टेस्टी बनता है। तो मैंने कहा ठीक है भाभी, आप तोड़ के दे दीजिए, हम लोग बना के खाएंगे अपने अपने घर में। और उसमें चूल्हे में तो उसका स्वाद अलग ही रहता है। तो मैंने कहा ठीक है भाभी, उन्होंने मुझे तोड़ के दे दिया और हम लोग लेके आ रहे थे। तो ये देखिए, इधर ये खेत है उसका सरसों का, इधर लहसुन लहसुन भी लगा दिए गए हैं। हमारे यहाँ हर एक फसल हो जाती है। तो अब शाम का टाइम हो रहा है, अब हम लोग घर वापस जा रहे थे, मेरी मम्मी भी जा रही हैं। तो देखिए, खेत के जो बीच में ये थोड़ी सी जगह होती है, इतनी वैसी जगह होती है, अगर एक बार भी आप इधर उधर देखने लगे तो गए काम से। इसलिए मैं मम्मी से बोल रही थी कि मैं तो निकल जाऊंगी, मम्मी आप थोड़ा देख के चलिए। और वहाँ मम्मी बोली ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम लोग चलो। तो हम लोग जल्दी से घर वापस जा रहे थे। तो इधर ये पेड़ देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो देखिए, इधर हम लोग आ गए, और मेरे बालों में इन लोगों ने सरसों के ये देखिए फूल इन लोगों ने लगा दिए, बच्चों लोगों ने, कि मम्मी ये देखो फूल आप लगा लो, मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने कहा ठीक है लगा दो। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली। चाय पीने के बाद में मैं ये सरसों काटने लगी थी, सरसों का साग, और मैं काट रही थी। इधर ये बच्चे लोग गए खेलने के लिए, इन लोगों को तो बस कहीं भी शुरू हो जाते हैं, गांव आए नहीं कि इन लोगों की मस्ती चालू हो गई। तो देखिए, मैंने ये साग सरसों का काटना शुरू कर दिया था। अब मैं सरसों का साग काट लूँगी। वैसे मुझे काटना आता नहीं है, फिर भी मैं काट लेती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कोई भी काम मैं कर ना पाऊँ, मैं सारे काम कर लेती हूँ, बस मैं देख लेती हूँ, देखने के बाद मुझे सारे काम आ जाते हैं। तो मैंने देखा, और ये देखे, मैंने कहा कि चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। सरसों का साग मैंने काट लिया था, अब मैंने कहा मैं झाड़ू लगा देती हूँ तो थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं अंदर जाऊंगी और देखती हूँ कि मुझे क्या। देखिए, हमारा सरसों का साग बनके हो गया है तैयार। वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और चूल्हे की बात ही अलग होती है। तो देखिए, अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू और बैंगन की सब्जी, रसीली सब्जी बनाऊंगी। तो मैंने आलू काट लिए थे और बैंगन भी मैं काटने जा रही हूँ। तब तक मैंने तेल रख दिया है, सरसों का तेल रख के मैं कढ़ाई में रख दिया, वो गर्म हो रहा है। और मैंने इधर ले लिया अदरक, अदरक को कस लूँगी, और प्याज लहसुन मैंने काट के पहले से ही रख लिए थे। तो मैं डाल रही हूँ प्याज लहसुन और अदरक, इसको मैं तेल में डाल दूँगी। जब मेरा तेल गर्म होगा तो मैं पहले जीरा डालूँगी, फिर जीरा जब चटकने लगेगा तो मैं डाल दूँगी प्याज लहसुन। तो ये देखिए, मैंने प्याज लहसुन को डाल दिया है। अब मेरा प्याज लहसुन जब भुनने लगेगा तो मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले और टमाटर। टमाटर डाल के मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, जिससे कि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाए। तो देखिए, ये छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए हैं। अब मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं सारे मसाले उसमें डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। और ये देखिए, मैंने
आलू पहले से काट लिया था, बैगन मैंने नहीं काटा था। बैगन काट देती तो पानी नहीं डालती तो काले हो जाते, इसलिए मैं जब सब्जी बनाती हूँ तभी मैं बैगन को काटती हूँ, पहले से नहीं काट के रखती। तो देखिए मेरी सब्जी बनके हो गई है तैयार। अब मैंने नमक डाल दिया है, मेरी सब्जी बनके हो गई है तैयार। अब मैं जा रही हूँ, देखिए मेरी सब्जी बनके हो गई थी तैयार, अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ सेकने, फटाफट रोटियाँ सेक लूँगी। तो चलिए आप भी आइए खा लीजिए। और खाना खा के हम लोग आ गए थे मंदिर, मंदिर को देखने। ये मंदिर हमारा अभी बना है, मेरे पापा ने ये मंदिर बनवाया है और इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करेंगे। अभी तो फिलहाल कोई मूरत नहीं है, पंडित लोगों से निकलाई थी मूरत, लेकिन पंडित लोग अभी बोल रहे हैं कि अभी मूरत नहीं है, जब मूरत होगी तभी स्थापना होगी, तब तक ऐसे ही रहेगा। और मूर्तियाँ हमारी आ चुकी हैं, मूर्तियाँ हमारी रखी हैं। तो देखिए ये मंदिर हमारा है, मंदिर बनके तैयार है, बिल्कुल रेडी है, सब कुछ कलर वगैरह सब हो चुका है। तो ये देखिए अंदर का है ये सीन, अंदर में यहाँ पे राधा कृष्ण स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए सब कुछ रेडी है, लेकिन अभी मुहूर्त नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं और आपको दिखाती हूँ, इधर तो बैठेंगे हमारे राधा कृष्ण। अब उसके बाद में हम लोग देख रहे थे जो मंदिर बना, मंदिर के पीछे बहुत जंगल सा था, लेकिन अभी थोड़ा साफ कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए मंदिर के बाहर, यहाँ शिव परिवार के लिए बनाया गया, यहाँ पे शिव परिवार की स्थापना होगी। तो सब कुछ पहले से रेडी कर दिया गया है और वही हम सब लोग देख रहे थे कि कितना अच्छा मंदिर बनाया। तो देखिए यहीं तक था हमारा वीडियो, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।